हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलबर खान है और इस वीडियोस में हम लोग आउटलुक के बारे में जानेंगे कि आउटलुक है क्या चीज़ है और ये कैसे काम करती है। बेसिकली आउटलुक मेल सर्विसेज के लिए यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी अपनी मेल्स को अगर एक्सेस करना चाहते हो तो नॉर्मली आप इंटरनेट से कनेक्ट होकर के आप अपना जीमेल अकाउंट या आप अपना किसी अदर अकाउंट को ओपन करना चाहते हो, आप ओपन कर सकते हो, जिसमें आपकी सारी मेल्स आपको एक्सेस हो जाएंगी। बट किसी भी केस में अगर आपका इंटरनेट डिसकनेक्ट हो जाता है तो आप अपनी मेल्स को एक्सेस नहीं कर पाओगे। लेकिन आउटलुक के अलावा कुछ और ऑप्शन हैं आपके पास, जिनके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, अपने कंप्यूटर के अंदर वो सारी मेल्स को एक्सेस कर सकते हो, वो सारी मेल्स को इजीली विदाउट एनी इंटरनेट कनेक्शन एटलीस्ट आप अपना इनबॉक्स जरूर एक्सेस कर पाओगे। मेल बॉक्स नो डाउट विदाउट ऑनलाइन हुए बिना आप मेल्स सेंड तो नहीं कर सकते और ना ही न्यू मेल्स आपकी रिसीव होंगी। लेकिन हाँ, कि आपका आउटलुक का जो मेल बॉक्स है वो आपकी जो अपडेटेड मेल्स है, यानी जितनी आपने एक टाइम पे इंटरनेट कनेक्ट करके सिंक्रोनाइज कर दी, वो आप ऑफलाइन मोड में भी वो मेल्स को एक्सेस कर सकते हो। और आप कोई मेल को पेंडिंग मेल्स में, मतलब लाइक एक सेंडिंग में करके उसको छोड़ सकते हो, कल को जब भी आप इंटरनेट कनेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली वो मेल सेंड हो जाएंगी। प्रोफेशनल्स मोस्टली इस ऑप्शन को यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास थंडरवर्ड या ऐसी कुछ और ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू हम लोग मेल्स को ऑफलाइन मोड में अपने कंप्यूटर पे एक्सेस कर सकते हैं। अभी इस कंप्यूटर के अंदर मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2007 है, कोई भी वर्जन हो आप बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। सिंपली आपको क्या करना है, स्टार्ट के ऊपर जाना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन की सॉरी कंट्रोल पैनल की ऑप्शन है। कंट्रोल पैनल के अंदर आपके पास ऑप्शन आएगी मेल की। मेल के अंदर आप अपनी आउटलुक को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, वर्जन कोई भी हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी वर्जन हो। सिंपली आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे ईमेल अकाउंट के अंदर आकर के आपको अपने ईमेल अकाउंट ऐड करने हैं। वो अकाउंट आपका कंपनी का वेब मेल का अकाउंट भी हो सकता है, वो याहू का मेल का भी अकाउंट हो सकता है, वो किसी भी तरह का मेल अकाउंट हो सकता है। मैं अभी इस वीडियो में अपने जीमेल का अकाउंट कन्फिगर करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको न्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपना जीमेल का चाहे तो आप अपना नेम डाल सकते हैं, यहाँ पे नेम डाल दीजिए या जीमेल का अकाउंट भी डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग अपना जीमेल का अकाउंट डालेंगे। मेरा जीमेल का अकाउंट है 77, जीमेल का अकाउंट। उसके बाद आप अपना इसमें पासवर्ड डालेंगे, जो भी आपका इसका पासवर्ड है, और सेम रिपीट एक बार वेरीफाई करेंगे हम लोग। नेक्स्ट किया, एक बार ये आपकी टेस्टिंग करता है कि आपका मेल अकाउंट लॉगिंग हो पा रहा है या नहीं, मतलब आपका अकाउंट वो वैलिड है, आपने जो डिटेल डाली है वो वैलिड है या नहीं है। तो आपका ये जीमेल का अकाउंट यहाँ पे इजिली लॉगिन हो जाएगा। जीमेल के अकाउंट के बाद लॉगिन डिटेल होगी आपकी, ये पूरी डिटेल सक्सेसफुली इसने कन्फिगर कर लिया। देन फिनिश करेंगे और आपका मेल अकाउंट यहाँ पे है, आप क्लोज करेंगे। उसके बाद क्लोज, देन अब आप स्टार्ट पे जाएंगे। स्टार्ट के बाद आपके पास माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की ऑप्शन आएगी। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के आप अंदर आप करेंगे। दरअसल मेरा पहले मेल अकाउंट कन्फिगर था, इस वजह से जस्ट आपको सेंड एंड रिसीव के ऊपर क्लिक करना है। आपका जो मेल अकाउंट आपने कंट्रोल पैनल में जाके कन्फिगर किया, उसकी सारी मेल्स आपके सामने सेंड और रिसीव होने शुरू हो जाएंगी। अराउंड मेरे पास यहाँ पे 200 से भी ज्यादा, मतलब 262 मेल्स हैं जो सेंड और रिसीव होंगी। अभी यहाँ पे मेरे इनबॉक्स में आ जाएंगी। कल को अगर मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट भी हो जाता है, तब भी मैं अपना ये आउटलुक ओपन करके अपनी मेल्स को कन्फिगर कर सकता हूँ, सॉरी यूज कर सकता हूँ। तो कन्फिगर करने के बाद आप कभी भी से यूज कर सकते हैं। तो ये सिंपल वे है किसी भी आउटलुक को अपने सिस्टम के अंदर, किसी भी मेल को अपने सिस्टम के अंदर कन्फिगर करने का। थैंक यू।